अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी हमेशा की तरह पसंद आएगी। चलो चले स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: सेवैयाँ 1 कप, क्रीमी मिल्क जो हमें हैवी मिल्क चाहिए 1 लीटर, शुगर 6 टेबल स्पून, इलायची 3 से 4 अदद, अगर पाउडर है तो आप 1/2 टीस्पून डाल लें, बादाम 3 से 4 अदद, जो कैशू नट है वो 3 से 4 अदद, पिस्ता 3 से 4 अदद, बटर 2 टेबल स्पून आप कर लें। देखें फ्रेंड्स, मैं अब इसमें बटर डालने लगी हूँ। इसमें बटर डाल के तो हम नट्स को भूनेंगे। जो हमारे पास नट्स हैं, आप अपने पसंद के मुताबिक जो आपको पसंद है नट्स यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हम अब नट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नट्स को फ्राई कर लिया। अब इनको अलग से निकाल लूँगी प्लेट में। अब इसमें मैं सेवैयाँ डाल के फ्राई करूँगी 3-4 मिनट के लिए। आप इसको भून लें। थोड़ा सा और बटर मैं ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया। अब इसमें सेवैयाँ डाल दूँगी, उसे अच्छे से भून लेती हूँ। देखें फ्रेंड्स, हमारी सेवैयाँ अच्छी से मैंने फ्राई कर ली हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन थी तो मैंने ज़्यादा इसे नहीं किया, फिर ये जल जाएंगी। तो अब मैं इसमें मिल्क ऐड करने जा रही हूँ। तकरीबन 4 कप मिल्क है हमारे पास, तकरीबन 1 लीटर या 2 लीटर भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से, जब तक हमारी ये थिक ना हो जाए, पक के तैयार ना हो जाए। देखें फ्रेंड्स, मैंने इसमें नट्स जो फ्राई किए थे इसमें लास्ट स्टेज पे डाल दिए। अब 6 टेबल स्पून मैंने शुगर डालने लगी हूँ और चेक कर लूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो और डाल लूँगी, इसे चेक करूँगी। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हमने डालना है जब हमारी शीर खुरमा रेडी होने वाला हो। इसी तरह खीर में भी करना है ना, खीर में भी लास्ट स्टेज पे ही आपने डालना है। फिर वो शुगर पहले डाल देना तो फिर वो जलने लग जाती है, तो ये उसका होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा शीर खुरमा रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा सब फ्रेंड्स, इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।